Hello dear students, the topic for today's lecture is sleeper density. Today we will be solving a numerical based on this sleeper density. So first of all, let us know what is sleeper density. It is defined as the number of sleepers per unit rail length and it is specified as n plus x. Generally sleeper density hoti hai aapki number of sleepers per unit rail length. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जो भी रेलवे ट्रैक होता है वो डिफरेंट रेल सेक्शंस को जॉइन करके बनाया जाता है. एंड ये जो रेल सेक्शंस होती हैं इनकी लेंथ ब्रॉड गेज के केस में आपकी 13 मीटर होती है एंड मीटर गेज एंड नैरो गेज के केस में 12 मीटर होती है. सो स्लीपर डेंसिटी आपका है एक रेल लेंथ में, एक रेल सेक्शन में कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स होंगे उसको हम स्लीपर डेंसिटी कहते हैं. एंड नाउ इट इज स्पेसिफाइड एज एन प्लस एक्स. मीन्स एन हो गई आपकी यहाँ पे लेंथ ऑफ रेल इन मीटर्स. मीन्स जो भी रेल सेक्शन है, एक रेल सेक्शन, उसकी लेंथ कितनी है मीटर्स में उसको हम एन कहते हैं. एंड अभी मैंने आपको बताया कि ब्रॉड गेज के केस में लेंथ ऑफ वन रेल सेक्शन होती है 13 मीटर एंड मीटर गेज एंड नैरो गेज के केस में होती है 12 मीटर. सो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में जो भी गेज गिवन रहेगा आप एन की वैल्यू पुट करेंगे. एंड एक्स इज द नंबर वेरिंग अकॉर्डिंग टू द एक्सल लोड, स्पीड, टाइप ऑफ रेल, स्लीपर्स एंड बलास्ट. एक्स आपका एक बेसिकली एक नंबर होता है जो कि वेरी करता है इन डिफरेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग. एंड जनरली ये क्वेश्चन में आपका गिवन रहता है, एक्स की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में जनरली गिवन रहती है. सिर्फ आपको एन की वैल्यू पुट करनी होती है जो कि आप अकॉर्डिंगली टू द गेज पुट करेंगे. सो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन इज लाइक दिस. अ ब्रॉड गेज हैज़ अ स्लीपर डेंसिटी ऑफ एन प्लस सिक्स. फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ रेलवे ट्रैक ऑफ 1690 मीटर. मीन्स एक ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्ट हो रहा है जिसमें कि स्लीपर डेंसिटी आपकी है एन प्लस सिक्स. एंड ही इज आस्किंग कि अगर हमारा जो रेलवे ट्रैक की लेंथ है टोटल वो 1690 मीटर है, सो टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड कितने होंगे उस हमारे रेलवे ट्रैक में. सो नाउ स्लीपर डेंसिटी आपकी गिवन है एन प्लस सिक्स. अभी मैंने आपको बताया था इसे इस फॉर्मेट में गिवन रहता है एन प्लस एक्स, जहाँ पे एक्स आपका एक नंबर होता है. ये नंबर यहाँ पे आपका गिवन है सिक्स और एन आपकी होती है लेंथ ऑफ रेल इन मीटर. सो सबसे पहले क्योंकि स्लीपर डेंसिटी आपको गिवन है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने स्लीपर्स आपके पर यूनिट रेल लेंथ है, जो कि हमारी स्लीपर डेंसिटी ही होती है. सो नंबर ऑफ स्लीपर्स पर यूनिट रेल लेंथ हो जाएंगे एन प्लस सिक्स. यहाँ पे एन की वैल्यू क्योंकि ब्रॉड गेज है आपका तो एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 13. सो दिस वुड बी एस 13 प्लस 6 इक्वल्स टू 19. मीन्स उस पूरे रेलवे ट्रैक में जो एक रेल लेंथ है उसमें हमारे 19 स्लीपर्स लेड हैं. नाउ अब हमारे टोटल नंबर ऑफ रेल सेक्शन उस रेलवे ट्रैक में हैं कितने. मीन्स एक रेल सेक्शन में हमारे 19 स्लीपर हैं ये तो हमें पता लग गया, लेकिन उस पूरे रेलवे ट्रैक में कितने रेल सेक्शंस हैं जिनको हमने ज्वाइन करके पूरा रेलवे ट्रैक बनाया है वो हम कैलकुलेट करेंगे. ऑब्वियसली जो रेलवे ट्रैक की लेंथ है टोटल डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वन रेल सेक्शंस, क्योंकि जो टोटल रेल लेंथ होगी आपकी मतलब 1690 मीटर, जब उससे आप एक रेल की लेंथ को डिवाइड करेंगे जो कि 13 मीटर होती है ब्रॉड गेज के केस में, तभी आपको टोटल हमारे कितने रेल सेक्शन ज्वाइन हुए वो मिल जाएंगे. तो दिस विल कम एज 1690 डिवाइड बाय 13 इक्वल्स टू 130. मीन्स 130 रेल सेक्शंस को ज्वाइन कर करके हमने टोटल अपनी 1690 मीटर का रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्ट किया है. नाउ नंबर ऑफ स्लीपर्स इन वन रेल सेक्शन इक्वल्स टू, सॉरी दिस नॉट 18, दिस इज 19. नंबर ऑफ स्लीपर्स इन वन रेल सेक्शन आपके कितने हैं 19, जो कि हमने किससे निकाले थे स्लीपर डेंसिटी से, राइट. सो टोटल नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे, एक रेल सेक्शन में आपके 19 है और टोटल रेल सेक्शन आपके कितने 130. सो 19 इंटू 130 इक्वल्स टू 2470. मीन्स उस पूरे रेलवे ट्रैक को कंस्ट्रक्ट करने में हमारे 2470 स्लीपर्स रिक्वायर्ड हैं, राइट. वंस अगेन स्लीपर डेंसिटी मैं आपको क्लियर कर रही हूँ. स्लीपर डेंसिटी इक्वल्स टू, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारी 19 आ रही है, मींस 19 स्लीपर्स पर यूनिट रेल लेंथ. मींस डिफरेंट रेल लेंथ्स को हम ज्वाइन कर करके रेलवे ट्रैक बनाते हैं. एक रेल लेंथ के अंदर जितने भी स्लीपर्स होंगे उसको हम स्लीपर डेंसिटी कहते हैं. तो स्लीपर डेंसिटी जनरली आपको इस फॉर्मेट में गिवन रहती है एन प्लस एक्स, वेयर एक्स आपको जनरली गिवन रहेगा जो कि एक नंबर होता है एंड एन आपको पुट करके स्लीपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है. एन की वैल्यू दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो 13 होगी अगर ब्रॉड गेज है एंड 12 होगी अगर मीटर गेज है नैरो गेज है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लीपर डेंसिटी. मीन्स एक रेल लेंथ के अंदर कितने आपके स्लीपर्स हैं. सो दिस कैन बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स लाइक यू हैव कैलकुलेटेड इन दिस क्वेश्चन, राइट. Now I am giving you another question. The question is sleeper density for a broad gauge track is n plus 5.
फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर ऑफ ट्रैक लेंथ. स्लीपर डेंसिटी गिवन है n+5, वो आपको पूछता है टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड 1 किलोमीटर की ट्रैक लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए बताइए. सो यू ऑल हैव टू कैलकुलेट दिस, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड पोस्ट द आंसर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. करेक्ट?